जैसा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राव के बनारस से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, तो क्या लग रहा है कि जिसे राजनीतिक समीकरण पर प्रभाव या वोट? नहीं नहीं, उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। उनको अभी बनारस में कोई उनकी पहचान भी नहीं है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में के नेता हैं, इधर उनके कोई उनको जानता नहीं है। और मोदी जी का बनारस में कोई मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। जितना बनारस में उन्होंने काम किया है, बनारस के लोगों के बच्चों बच्चों के दिल में मोदी जी बस गए हैं। अब उनके खिलाफ कोई भी आ जाए, भीम आर्मी आ जाए, चाहे कोई भी गठबंधन आ जाए, कुछ उसका प्रभाव बनारस की जनता पर नहीं पड़ने वाली है। और बनारस में जब तक मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ते रहेंगे, कोई भी आ जाए, उनको कोई हराने वाला नहीं है बनारस में। बनारस के जनता के दिल में बस गए मोदी जी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण बनारस से कह रहे हैं, अरे वो फर्जी आदमी है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अस्तित्व है? ये सब तो केवल लाइजिनियम के लिए आएंगे अपना और सेटिंग करके निकल जाएंगे। लड़ने की इच्छा जाहिर है, लड़े आके कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बेकार इनका लड़ना यहाँ से। हाँ, प्रियंका जी चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की कदावर नेता है, सोनिया जी की बिटिया हैं, वाड्रा जी की पत्नी हैं, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, वो लड़ सकती हैं, लेकिन कहीं से भी जीत का वो कोई मतलब ही नहीं, सिवा मोदी जी, ओनली मोदी। दूसरा सवाल ये कि चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो बनारस से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, क्या लग रहा है उनको चुनाव लड़ने से कुछ असर? कोई असर नहीं है उनसे, कोई असर उससे अच्छा तो हमारा अजय राय है ही है। नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला चंद्रशेखर रावण के चुनाव। नहीं, रावण का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कभी कुछ किया हो तो उनके लिए हम सोचे, कभी कोई संस्था आ रही है तो बेकार, कोई संस्था कभी खोली नहीं है, कभी कोई गए नहीं, काम किया नहीं है, जातिवाद से काम नहीं चलेगा, राष्ट्रीयवाद से काम चलेगा, किसने क्या किया पहले करके दिखाए। इस बार एक उम्मीदवार और भीम आर्मी का यहाँ से चलने की घोषणा कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण, जिनका नाम है सहारनपुर, क्या लग रहा है उनके बनारस चुनाव से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, मोदी जी के टक्कर में तो प्रियंका ही जी लड़ सकती हैं और कोई नहीं, लेकिन यहाँ का जनता का पूरा आशीर्वाद मिल चुका है मोदी जी को, लेकिन अब की थोड़ा सा बदलेगा, इसलिए कि उनका विकास अच्छा है लेकिन उनके विकास में धोखा है। नहीं, हाँ सुने हैं, बहुत दिन उनका देख रहे हैं, मीडिया में भी, व्हाट्सएप पे भी, सब पे चल रहा है, लेकिन उनको इतना यहाँ जो कोई तजबुक नहीं देगा। क्या लग रहा है उनके यहाँ से चुनाव लड़ने से कुछ यहाँ का समीकरण? देखिए, हो सकता है उनके चुनाव लड़ने से कुछ हो तो उसमें भाजपा ही का परसेंटेज कुछ कम होगा, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंद्रशेखर का नाम सुना है आपने, वो भी कह रहे हैं बनारस से चुनाव लड़ेंगे, उनको नहीं जानते, उनका नाम सुना है कभी आपने? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, भीम आर्मी को जिससे फर्क पड़ना है? देखिए, भीम आर्मी सेना के जो चंद्रशेखर जी, उनका नाम तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, और जहाँ तक पेपर में मैं सुनता आ रहा हूँ या देखता हूँ तो उसमें यही आता है कि ये भीम आर्मी सेना को सभी लोगों का समर्थन है। हमें तो नहीं लगता कि किसी ने अभी तक की सोशल मीडिया पर या किसी पर भी उन्होंने दिया हो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कि हमारे तरफ से इनको समर्थन है, वो अलग से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी बनारस, कोई टक्कर नहीं है सर यहाँ पे किसी भी पार्टी का, कोई टक्कर मोदी जी के आगे नहीं है, सिवाय मोदी के आगे और कोई नहीं है।